ऐसा आपका मानना है? अच्छा, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, वो तो मुलाकात नहीं, देखिए हम सब एक दूसरे के कम्युनिटी है, मुझे उनसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी कंपनी के लिए 2017 या 2018 में काम भी करते थे 10,000 रुपये पे एज अ इन्फ्लुएंसर, तो मेरा उनका कुछ पर्सनल है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरी कंपनी छोड़ी और अपना काम करने लगे, हम अपना काम करते, उनकी जगह हमने किसी और को हायर कर लिया। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम इन पर्सन। ये मीडिया में जो आया न्यूज़ कि साहिल खान की वजह से, आप मुझे बताइए उस लेटर में सबका नाम लिखा है या जिसका भी नाम लिखा, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, उसमें ये क्यों नहीं लिखा कि राज फौजदार ने साहिल खान को ऐसा बोला और साहिल खान ने सोशल नेटवर्क पे डाला, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। साहिल जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपने क्या कहीं शिकायत दर्ज करवाई या फिर शिकायत दर्ज करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल, अभी मैं मुंबई उतरा हूं, जैसा कि आप लोग को पता है, मुझे आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए, सीधा आपके पास मैं आया हूं। और डेफिनेटली जो लॉयर्स हैं हमारे वो करेंगे, शिकायत दर्ज करेंगे। और क्योंकि ये इतना बड़ा रैकेट है, इसमें FDA इन्वॉल्व भी होनी चाहिए। जो भी लोग नकली सप्लीमेंट बना रहे हैं, नकली स्टेरॉइड बेच रहे हैं या असली भी बेच रहे हैं, उनके साथ एक्शन लेना चाहिए। और जो मेरा जुर्म है, अगर कुछ आप लोग को लगता है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। जी, जैसा कि उन्होंने जब खरीदा था, खरीदने के बाद अभी कितने दिन हो चुके हैं, इसके बाद में उन्होंने कभी शिकायत करने का प्रतिक्रिया, शिकायत कहीं पे करवाई है क्या? आपसे इन्होंने कहा कि इन्होंने शिकायत इसलिए नहीं की, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 2019 से क्यों नहीं की आपने शिकायत 2019 में जब आपके साथ ऐसा हुआ। मैं पूछता इससे, आप पूछिए, जवाब दीजिए। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुझे ऐसे ही टरकाते रहे बात को कि मैं पैसे दे दूंगा, कभी मैं आगे डीलर से बात करता हूँ। वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई भी है, चलाई भी है भाई ने अभी। तो इसमें ना, तो लॉकडाउन हो गया था, फिर बोले कि लॉकडाउन है अभी, रुको रुको, ऐसे मुझे ऐसे ही खींचते गए। अभी जब लॉकडाउन हट गया तो मैंने उन्हें बोला, अभी 25-30 दिन पहले मैसेज किए उनको मैंने, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे सीधी गाली दी और मना कर दिया कि मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा। जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी, जिस दिन सर ने मेरा जो वीडियो बनाया था, उस टाइम पे मैंने कॉल रिकॉर्डिंग बाय का था उनके नंबर पे कल करके ना, वो दिखाया हुआ है कि देखो इनका नंबर है और ये मैं बात करता हूँ, आप सारे देखो क्या बोलते हैं। उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला है, उस टाइम पे भी मुझे धमकी दिला रहे हैं किसी से करके, गाजियाबाद आके दिखा साले तू, ठीक है? वो आपने YouTube पे या वीडियो में देखा होगा कि अभी जो आपको सुनाया, धमकी इतना टाइम नहीं मिला मुझे, अभी परसों ही तो आई है, बाकी इतना मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं तो किसान फैमिली से हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आज ही करेंगे। साहिल जी, इस पूरे इस वाक्य में उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि उनके और उनके पत्नी के बीच का जो झगड़ा है उसका फायदा लेकर उनके ऊपर कहीं पे शिकायत दर्ज हो सकती है, और इसको लेकर भी उसने ये सुसाइड का नोट में लिखा हुआ है। तो उनके पत्नी से आपका कुछ बातचीत हुआ था या इस तरह का जो आरोप उनके लेटर में है? देखिए, ये तो आप उनकी पत्नी से ही पूछें कि उनके और उनके बीच में क्या है। उनकी पत्नी से, उनकी पत्नी के बारे में मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? वो उनका स्टेटमेंट उनकी पत्नी देंगे, ये ऐसा उनका मानना है। अब अभी आपके सामने जिस लड़के ने मैसेज किया व्हाट्सएप, ये 2 मिनट पहले ही होगा, सेटअप तो नहीं है। अब आप उस पर भी लिख देते कि ऐसा मानना है कि मेरा उससे कोई संबंध है। उनके किससे किससे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पत्नी में क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस राइवलरी क्या है, ये उनका ऐसा मानना है। उन्होंने सारी चीज़ों को जोड़कर लिख कर आप लोगों को दे दिया लेटर, सिवाय इसके कि भाई बात शुरू कहाँ से हुई। बात शुरू हुई है कि इसने मुझे 2 लाख रुपए का कंप्लेन किया तो मैंने YouTube बनाकर डाल दिया अपने चैनल पे, उसके अलावा सब लिखा उन्होंने। अभी भी जितने एथलीट आ रहे हैं वो देख के आए हैं, मैंने डाली है, सर ने डाली है वीडियो मेरी, तो सब ने देखा गलत हुआ, तो अभी निकल के आ रहे हैं जितने भी हैं जिनके साथ उन्होंने गलत किया। इसलिए स्टैंड किसी ने नहीं लिया क्योंकि वो फेमस एथलीट हैं, सबको बताया। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जो लोग भी अब ये चैनल के थ्रू जितने लोग देखेंगे, और अगर वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, मनोज पाटिल को साथ देना उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मनोज पाटिल को साथ आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है, स्टेरॉइड का रैकेट चल रहा है, आप खुद माल बेचते हैं, आप खुद जिमों में लड़कों को देते हैं, ये कब रुकेगा? जब किसी गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर के बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा। अभी तक तो आम पब्लिक मर रही है, हम सब न्यूज़ डालते हैं और रेस्ट इन पीस लिख देते हैं। अच्छा, मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता फिर? कुछ नहीं, रेस्ट इन पीस रख के तुम्हारे लिए भूल जाते लोग। जी सॉरी, मनसे ने भी इन्वॉल्यूशन दिखाया है और वो
शायद आपसे कल बात करने वाले या उनकी बात आपसे होने वाली है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं उनके और आपके बीच? बिल्कुल, मुझसे जो जब आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझसे कोई भी बात करना चाहे वो कर ले, ये सारे प्रूफ कोई भी अभी ये सब आपको दिख गया है, आप लोग ले जाइए, चेक करिए कि हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, क्या सचमुच का 2 लाख रुपए दिया गया है, क्या इस देश में स्टेरॉइड बेचना लीगल है ऑन द फर्स्ट प्लेस। जो मुझसे बात करना चाहे मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं गलत हूँ मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर ये सब सच है तो फिर आप लोग को भी ऐसी स्टोरी चलानी चाहिए कि ये गलत है, वरना आप में से घर में से कोई आदमी कुछ लेगा फेक सप्लीमेंट स्टेरॉइड और किसी की डेथ होगी तभी एक मुहिम चलेगा, वरना ये सब चलता रहेगा। तो आप मानते हैं कि फिटनेस जो इंडस्ट्री है एक्चुअली उसमें इस तरह के जो स्टेरॉइड्स होते हैं सप्लीमेंट्स होते हैं, तो दिस इज आल्सो व्हाट यू बीन टेलिंग कि इट्स अ बिग रैकेट। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक लड़का 2 लाख रुपए का माल लेता है किसी से, एक लड़का अगर एक आदमी 10-20 क्लाइंट बना ले तो महीने का कितने का स्टेरॉइड बेच लेता होगा आपके हिसाब से? आप ओवरऑल समझ रहे हैं इसका बिजनेस का वैल्यू कितना हो गया? ये एक आदमी की बात कर रहे हैं, और ये पूरे देश में जितने लोग बेच रहे हैं वो कितने करोड़ और कितने 100 करोड़ का वो स्टेरॉइड है जो घरों में बन रहा है, लोग ले रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लोग मर रहे हैं जिम में, कभी देखा आपने पूरी जिंदगी में? मैं 30 साल से जिम कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी किसी को जिम में मरते नहीं देखा, अब तक नहीं देखा था, 2 साल ये 2-4 साल से देख रहा हूँ। यही कि अगर आप लोग स्टेरॉइड लेते हैं मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं, जो एक सही तरीका है वो करिए, अगर इट इज़ फॉर बेनिफिट, आई बिलीव इन साइंस, आप लोग को जो करना है सप्लीमेंट लेना है स्टेरॉइड लेना है फेक मत लीजिए असली लीजिए, और जो डॉक्टर आपको बोलते हैं उसको फॉलो करिए। लेकिन जो लोग इसका बिजनेस बनाकर सही लोगों को फेक सप्लीमेंट बेच रहे हैं वो तो आप लोग को ही रुकना पड़ेगा ना, वरना हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? सिर्फ हम एक न्यूज़ में चैनल देखते हैं एक आदमी गिर गया मर गया बैठे बैठे, जवान लड़का। ये मैंने आपने यूथ आइकॉन बोला सुन के अच्छा लगा मुझे, अब यूथ आइकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपिया है वो भी मुझे अवार्ड देने वाला है, आई एम रिका मुझे वो किया गया है जी, नॉमिनेट किया गया है जी, शायद मिल जाए, दुआ करिए। आपको लोग बहुत से लोग फॉलो करते, तो कभी आपने भी कोई ऐसा स्टैंड लेने की मैं कहीं पर कंप्लेन करूं या यू नो एक कुछ मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, अगर मेरे पास कोई आया हेल्प मांगने इसको तो मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म है वो है मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम, आप लोगों के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोगों ने क्यों नहीं किया? तो वही आप मुझसे पूछ रहे कि मैं स्टैंड में मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूँ? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, 1000 करोड़ का स्टेरॉइड फेक सप्लीमेंट पूरे देश में बनता है बिकता है रैकेट है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो आप लोग करेंगे ना, मेरी क्या औकात है? मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे एक आदमी आया उसका डाल दिया, उसमें एक आदमी ने जा करके फेक वो बना दी कि मैं जान देने जा रहा हूँ, उसको लोगों ने सिंपथी करके घुमा दिया, इसको हटा दिया साइड से, अब साहिल खान वर्सेस दिस, वो इमोशनल जो कर रहे हैं मुझे आप बताइए इज इट राइट टू डू दैट? ये सब जो आपको प्रूफ मिले हैं आपको लगता है ये सब फेक है सेटअप है, इसमें कौन क्या क्या चीज़ आपको सेटअप गलत साबित करिए और मुझे सजा दीजिए। अच्छा अभी आपको ओशिवारा पुलिस स्टेशन या कहीं से आपको कुछ कॉल आया है? आए होंगे क्योंकि मैं फोन आए होंगे, लेकिन मेरे फोन साइलेंट पे है और फोन उठाया नहीं, और मैं अभी लैंड किया हूँ तो जरूर आए होंगे, अगर कंप्लेन हुई है तो जो मुंबई पुलिस है वो जो एक्शन लेगी मैं उसको मानूंगा, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ और ये बहुत बड़ा रैकेट है तो आप लोग इस रैकेट को रासफाश करिए, सच जो है उसका साथ दीजिए। आप जाने वाले पुलिस स्टेशन? जी जरूर जाऊंगा, ये तो शुरुआत में इतना बड़ा था नहीं, मुझे लगा कि भाई इसके पैसे मिल जाएं, हम सब का अब दाल रोटी अपने अपने घर में चल रहा है, मुझे क्या इतना एनर्जी डाल के करने की जरूरत नहीं है, है ना, ये मेरा मैं वो तो नहीं हूँ ना इस देश में कोई बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन अब जब किसी ने जान देकर लेटर लिखकर इल्ज़ाम लगा दिया और गलत तरह से उसको इमोशनली जस्ट बिकॉज पहले जो हो चुका है हिंदुस्तान में इतने बड़ा हुआ है उससे सिंपथी लेने के लिए, तब मुझे लगा कि नहीं यार ये मुझे सामने आकर आपसे बात करनी है, मुझे प्रूफ करना है कि मैं सच बोल रहा हूँ। अब लीगल जो होगा वो स्टेरॉइड बेचने का लीगल जो भी है, FDA वाले लोग बताते हैं, इतना बड़ा अभी NCB का चल रहा है,
सबको पता है कि कितना बड़ा एनसीबी का रैकेट चल रहा है, वो जो कानून होगा वो करेगा। आप जाने वाले? बिल्कुल जाऊंगा, 100% जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, और मेरे लॉयर से बात हुई है, जो भी इसका लीगल एक्शन है वो बिल्कुल लूंगा। मैं लॉयर के पास पहले जाऊंगा मेरे ख्याल से, और उसके बाद जैसा टाइम होगा प्लान करके कि भाई हम सही, क्योंकि क्या होता है, मैं इसलिए सामने आकर बोल रहा हूँ कहीं मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल गए, क्योंकि अभी सिंपथी लेनी है, इमोशनल एंगल उधर से है, तो कहीं मेरा कोई शब्द जोश में गलत ना निकल जाए, फिर आप लोग मेरे कपड़े फाड़ देंगे, है ना। थैंक यू भैया, ये सारे बिल इनको दे दो। हाँ बॉक्स के साथ खड़े हो, जस्ट अ मिनट, अभी दिखाता हूँ, अभी आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। अभी देखिए आप, जी जी सॉरी, हाँ क्या पूछ रहे हो सर? जिस तरह से अटैक आया, अचानक युवा था, उसको लेकर के क्या कहेंगे? मित्र थे मेरे, और बहुत पहले से दोस्ती थी हमारी, लेकिन दोस्ती मतलब 2005-06-07 में जब हम पार्टी वार्टी करते थे कई बार, दोस्ती थी। बहुत शॉकिंग है कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, यकीन अब नहीं आता। आई होप कि कोई ट्रेनर ने या किसी ने उसको कुछ मतलब मिसगाइड ना किया हो। आई होप इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, और यही कह सकता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो। घर वालों को उनके, उसकी जगह मैं भी हो सकता था, उसकी जगह ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता, कोई भी हो सकता था, तो इसीलिए डर तो लगता है ना। बात आपने जो सवाल किया मुझे, अब मैं मिलाता हूँ आपको, इनका नाम है मिस्टर अदनान, और आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए। मिस्टर अदनान आप कौन हैं? परीनाज, उसका हस्बैंड हूँ मैं, और मेरे साथ में भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो चुकी है। इधर ना, इधर आओ, फिर से बोलिए आप कौन हैं और क्या, क्यों यहाँ पे आए हैं आप? आप मनोज पाटिल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, क्या प्रूफ है आपके पास? वो वीडियो दिखाइए, मेरी आवाज़ ऊंची है ना, बहुत पुराना हूँ ना मैं, क्या बेस से डब करने की आदत, ये तो बच्चे लोग हैं ना अभी नए नए। जी आप इनको वीडियो दिखाइए। पहले तो मैं ये फोटो दिखाना चाहता हूँ, पहले सारे फोटो है इस तरह से, होल्ड, और इनका अकाउंट है आई परिनाश करके, आप जाके देख सकते हो उनके अकाउंट पे कि कैसी फोटो मैनेजर के साथ में चिपक के डालते हैं, होल्ड होल्ड, ठीक है, होल्ड होल्ड, और किसी से हेल्प मांगते हैं हम लोग तो उस पर इल्जाम लगाते कि पैसा लेके बिक गया, ठीक है, लाइट बंद करो। ये है एक और एक प्रूफ बताता हूँ जो अच्छा है, तो आपका बोलने का मतलब क्या है, मतलब खुल के बताइए इनको, ताकि नहीं बताओ बताओ भाई, हम नहीं बताएंगे तो वापस से उधर से एंगल चलेगा कि फंसा रहे हैं, ये रोलते पैसे लेके कर रहे हैं ना। हाँ वो सब बताने का इनके सामने, यही यही अभी इनका कानून चलता है, बहुत साल हो गए ना, सब समझ गया हूँ मैं। नहीं आप कौन हैं वो बताइए, और क्या हुआ पहले वो बताइए, मनोज पाटिल से आपका क्या संबंध है? सबसे पहले तो मैं एक साल पहले मिल चुका हूँ उनसे, और मैंने उनको कॉल भी किया था कि मुझे पता चला कि उनके पास मेरी जो वाइफ है काम करने के लिए गई, और हम लोग का झगड़ा चल रहा था, बट हमारा डिवोर्स अब तक हुआ नहीं है फाइनली, पूरा कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने कोर्ट में ये सब चीज़ों को केस किया हूँ, तो मैं मुझे पता चला, क्योंकि मुझे बंदे के बारे में बहुत पहले से पता है कि ये लड़कीबाज है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं किसी से ना कोई, मुझे कोई भाई लड़कीबाज होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ सर, लड़कीबाज होना और जो इंटेंशन जाता है लड़की को देख के, मैंने खुद देख चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद कॉम्पिटिशन खेल चुका हूँ उनके साथ में, और तो मैं देख चुका कि वो बहुत बड़े ऐसे हैं, तो मैंने उनको पहले ही समझा दिया, पहले मैंने मेरी वाइफ को कॉल करके पूछा कि भाई क्या ये जो बंदे के तू ये जो कर रही है काम कर रही है थोड़ा संभल के करना, तो वो पूछ रही ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि उसका उसकी आदत कैसी है, बट वो नहीं मानी, क्योंकि हमारे बीच में झगड़ा चल रहा था, तो अगर वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़ा चलता है कोई भी चीज़ों का,
तो वो कैसे एक्सेप्ट करती है हर चीज़ों को, नहीं करती है। तो मैंने मनोज पटेल सर को कॉल किया, पर्सनल नंबर से कॉल किया और उनको बताया कि भाई मेरा ये मसला चल रहा है, तो प्लीज़ आप ज़रा थोड़ा न्यूट्रल रहना क्योंकि अभी मेरा चल रहा है मसला। तो उन्होंने मुझे पहले बार तो सबसे पहले एक बात बोला कि अगर कुछ भी आगे अच्छा या बुरा कुछ ऐसा होता है मैं उसकी हेल्प तो करूँगा, बट अगर आपकी वाइफ के साथ मेरा कुछ गलत इंटेंशन अगर आपको मालूम पड़ता है तो आप मुझे चमाट मारना, ये बात उन्होंने बोला है मुझे। ठीक है, तो मतलब ठीक है सर, आप इतने हम्बल पर्सन बन रहे हो तो ठीक है, मैं फ़ोन कट कर दिया। बट 3-4 दिन के बाद मैंने देखा कि मेरी वाइफ उसके साथ में स्टोरी डाल रही है, उसके जिम में स्टोरी डाल रही है। तो मैंने फिर से कॉल किया उसको, मतलब भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो और आपने बोले भी थे कि अगर आपकी वाइफ नहीं, नहीं वो पॉइंट नहीं है, सुनिए आप मुझे एक बात बताइए, इतना टाइम नहीं है इनके पास। आपका मैं नहीं ना बाबू, समझा करो, कट जाता है शॉर्ट, मोदी जी बोलते हैं कट जाता है, समझो पॉइंट बताओ कि तुमने उनके खिलाफ एनसी की, वो जो हमको बता रहे थे ना कट्टू में, वो कट्टू में बताया करो। मैं मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा सीन चल रहा है तो मैं इनडायरेक्टली घर चले गया उनके। वो वीडियो दिखाइए, आप उनके घर गए थे मनोज पाटिल के, वो फॉरवर्ड करिए सबको। हाँ, वो मैंने भी देखी है वो वीडियो देखा। सर मुझे भी जॉब दे दो, आप सही कार्ड देता हूँ। हाँ सर दिखाइए, वीडियो मैंने डाला था अभी, मेरा आईजीडी भी कल एक डिलीट हो गया। नहीं आप इधर दिखाओ, पास जाना है भैया, खाने का टाइम हो गया सबका। फेवरेट में रख लेनी थी, वो फेवरेट में रखना चाहिए ना तुमको। मैंने तो फेवरेट तो वो इसके पास है ना, वही हम लोग को फॉरवर्ड किया था। ये देखिए मनोज पाटिल के घर गए थे, आपकी भी उनके घर पे, तो क्या हुआ? सर आप दिखाइए वीडियो, आवाज भी कर लो। कोई बात नहीं, दुनिया है, हम भी ऐसे ही धक्के खा के सीखे हैं, पहले हम भी ऐसे ही थे स्टाइल के टाइम पे, अब प्रो हो गए। सबसे अच्छा तरीका होता है कि सच बोलो तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ गले फाड़ फाड़ के। मैं पुलिस स्टेशन में सर खड़े आपके, मनोज सर, क्या आपने कंप्लेन की? मैंने की है। अच्छा दिख रहा है ना, तो आपको क्या शिकायत है उनसे? अरे बोलो भैया आपका पैसा। मैं शिकायत करना चाहता हूँ कि जो ये करते हैं, जो हम्बल पर्सन बनते हैं, वो ऐसे है नहीं। और बहुत सारी चीजें गोवा में भी जाके मिल रहे हैं और क्या क्या, बहुत सारी चीजें अनाप शनाप मुझे आया था। और ये सब चीज़ें होने से पहले मैं भाई से मिला था एथलीट बनने के लिए, तो मुझे डिवाइन का एथलीट बनाया था भाई ने। उसके बाद से बहुत ज़्यादा ही आने लगा क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि डिवाइन का एथलीट बन के बिक चुका है और जानबूझ के ये स्टोरी बता रहा है। तो कोई भी अपनी वाइफ के बारे में बुरा कभी सोचेगा या ऐसा कभी आएगा खुल के? मैं 1-1.5 साल से जो भी है ना जो सर्वाइव कर रहा था, बट मैं किसी को बता रहा नहीं था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। अरे भैया सुनो, तुम्हारा नाम तो लिखा ही नहीं है लेटर पे। एक्चुअली क्या पता है, बीवी तुम्हारी घुमा रहे हैं, नाम मेरा लेटर पे लिख के जा रहे हैं, मसला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, कहने का पॉइंट सिर्फ ये है कि इनसे इसलिए मिलाया है कि वो इंसान जो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई लेना देना उनका नहीं है, उनके और भी अलग अलग सेक्शन में ड्रामे चल रहे हैं, किसी और का फ्रस्ट्रेशन है जैसा कि आपको मैंने बताया, उसका सारा चीज निकाल के मेरे ऊपर डाल दिया गया है। अब आप लोग खुद इंसाफ कर लीजिए और जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा न्यूज चलाइए, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ मैं दे चुका हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। शुक्रिया जी। हाँ एक सवाल मैं आप सब लोगों से करता हूँ, ठीक है, एकदम लॉजिकल सवाल। आप लोग में से आई थिंक ये वायरल बॉलीवुड का मैंने वीडियो देखा था, कौन है इसमें वायरल बॉलीवुड में भाई? आप कितने बजे तक कल वहाँ पे ऊपर हॉस्पिटल के बाहर? कुछ तकरीबन 2:30 बजे के टाइम। 2:30 बजे के टाइम तब तक के मेडिकल रिपोर्ट आ गई थी? तो कैसे पता चला कि ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है? ऐसा भी तो हो सकता है ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड होगा। वो
वो तो पता नहीं, नहीं आपने ही वीडियो लिया ना, मैंने ही वीडियो देखा था। अरे उनको अपना एंगल डालना, व्यू चाहिए भाई। चलो कोई बात नहीं, मेरा भी चैनल है। अरे भाई इसलिए पहले बोला लाइक कमेंट सब्सक्राइब। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए। मैं अरे एंगल चाहिए होता है पागल। सर मैं बताता हूँ, जब ये इंसान डिप्रेशन में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, मेंटली चैलेंज, बहुत सारे फैक्टर है, और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2017 में हेल्थ केयर एक्ट निकाला है। मुझे आईपीसी सेक्शन याद नहीं क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, आप लोग देख लेना। और वो हेल्थ केयर का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई इंसान अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो उसको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करने के अलावा उसको मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है वो भी दिया जा सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो वीडियो लिया वो गलत है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि बिफोर मेडिकल रिपोर्ट केम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये अटेम्प्ट है। इट कैन बी पॉसिबल ना, अभी जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैंने इनको बोला भाई मेरा पेट दुख रहा है, इन्होंने मुझे कॉपर लेके चले गए, आप आए, इन्होंने बोल दिया कि भाई इसका मतलब क्या। यार इतना सब कुछ नहीं करके तुम भी एक लेटर लिख के चले जाते तो काम कितना पूरा देश का सपोर्ट मिलता तुमको। अभी तुम्हारी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कब माना जाता है कि एक इंसान ट्रेन के आगे आ गया, उसको किसी ने बचा लिया, अटेम्प्ट किया, पानी में डूब गया, उसको निकाल लिया, तो कंफर्म अटेम्प्ट है। आप बिना मेडिकल के कैसे बता रहे हो? नहीं अभी अभी बोलने वाले को बोल रहा हूँ कि आपने बोल दिया बिना मेडिकल। हमारा बेसिक सवाल ये है, अच्छा उनकी वीडियो में, उनकी वीडियो में मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी, ठीक है, कि उन्होंने खाना खाया था, उन्होंने खाना नहीं खाया था। आदमी दो दिन से भूखा रहेगा तो उसको भी तो तकलीफ हो सकती है। नहीं अभी ब्लड टेस्ट करवा ले जो भी सपोर्ट, आप लोग तो तब तक बोर हो जाओगे, चैनल से हटा ही दोगे लेकिन अगर आप लोग को टाइम मिले किसी को तो उनका ब्लड टेस्ट करवाइए, मालूम करिए कि क्या ड्रग है बदन में, हो सकता है कुछ ड्रग हो सकता कुछ हो। भाई अभी इससे ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता, भूख लग गई। थैंक यू, आइए माल निकालो ना यार, पेपर ऊपर कहाँ है, वो बिल कहाँ है पैसे के, फोन निकालो, फोन के पैसे। ड्रग पकड़ लिया, ड्रग वाला बोल रहा है यार मुझे, मेरा नाम ड्रग वाला नहीं है। मोबाइल और भी है, ये जो है, ये जो है आप देख लीजिए, बैंक की डिटेल है और भी है इसमें, बैंक की डिटेल है। ये मनोज पाटिल को पैसे गए हैं 2 लाख, ये मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं, और ये अगर जुर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम भी कल से यही सब धंधा करेंगे, फिर काहे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुबह से बजा लिया भैया, थोड़ा तो साथ दो सच का।